नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश अपने टेक्निकल वर्ल्ड एमजे चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि पिक्सल लैब में एक्स्ट्रा फॉन्ट कैसे ऐड करते हैं, अलग अलग स्टाइल में लिखने का तरीका फॉन्ट के जरिए आप कैसे चेंज कर सकते हैं। आपने मेरे थंबनेल बहुत सारे देखे होंगे, जैसे आप मेरे साइड में देख पा रहे हैं, थंबनेल बनाने का तरीका जो है अलग अलग है, क्योंकि मैं जो फॉन्ट को अलग अलग यूज करता हूं अलग अलग डिजाइन के। आप भी यूज कर सकते हैं कैसे ऐड करना है पिक्सल लैब में और अपने थंबनेल को बहुत ही बेहतरीन बनाने के लिए। और हर एक जितने भी यूट्यूबर हैं, सब कोई पिक्सल लैब का इस्तेमाल करता है, क्योंकि पिक्सल लैब में आप जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने थंबनेल को बना सकते हैं। तो फॉन्ट को कैसे ऐड करना है एक्स्ट्रा, आप चाहते हैं ऐड करना, पहले दिए होते हैं 10-12 और एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस के साथ फॉन्ट को कैसे ऐड करना है बताने वाला हूं। अगर इससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और साथ में नोटिफिकेशन का बेल दबाना ना भूले, ताकि ऐसी हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप भी चाहते हैं अपने पिक्सल लैब में एक्स्ट्रा फॉन्ट को डाउनलोड करना, तो इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखना, ताकि जो जानकारी है आपको पूरी ही मिल सके। सबसे पहले फॉन्ट को डाउनलोड करने के लिए आपको एक क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा। जैसे क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको सर्च बार में आपको टाइप करना है dafont.com। जैसे ही आप लिखेंगे dafont.com और सर्च कर लेंगे, जैसे ही आप सर्च करेंगे, यहाँ पर आपके ढेरों सारे जो है फॉन्ट आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी फॉन्ट आ चुके हैं। और आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं ज़ूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये फॉन्ट के सामने जस्ट लिखा है डाउनलोड, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपका फॉन्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं असम, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। आप इस पर डाउनलोड करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, फाइल देख सकते हैं हमारी डाउनलोड हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं और भी क्वालिटी में डाउनलोड करना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फैंसी का ऑप्शन दिया गया है, फॉर्गन लुक, टेक्नो, सभी अलग अलग फॉन्ट दिए गए हैं। जिस टाइप का आप चाहते हैं उस टाइप में आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं डिस्टोरेड फैंसी वाले फॉन्ट को डाउनलोड करना चाहता हूँ, मान के चलिए। ये देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग तरीके के जो हैं फॉन्ट आ चुके हैं। अब ये वाला फॉन्ट मुझे पसंद आ रहा है, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो इसी तरह और भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे आपको फॉन्ट देखने को मिल जाते हैं। अब मान के चलिए मुझे ये वाला चाहिए, इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आपके फॉन्ट जो है आ जाएंगे। ये देख सकते हैं, इस पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। जो जो आपको अच्छा लगे, यहाँ से आप फॉन्ट को जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से डाउनलोड करके, डाउनलोड हो जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसको कट कर देना है। कट करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, जो आपने फ़ोन डाउनलोड किए हैं आपको फाइल मैनेजर में आना है। फाइल मैनेजर में जैसे ही आप आएंगे, आपको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जिप वाली फ़ाइल बनके रेडी हो चुकी है। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ तीनों पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड में 3 डॉट्स दे रहे हैं, आपको एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक नया फोल्डर आप बना लेंगे, यहाँ प्लस पे क्लिक करके यहाँ पर आप नया फोल्डर नाम देकर बनाकर ओके कर लेंगे। फ़िलहाल मैं मेरा जो फोल्डर बना हुआ है मैं बैक करूँगा और अपने पिक्सल फॉन्ट में यहाँ पर देख सकते हैं नीचे की तरफ कैंसल और एक्स्ट्रैक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। आपका ये जो है 3 फाइल एक्स्ट्रैक्ट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, आपने पिक्सल लैब ओपन कर लेना है। तो चलिए हम पिक्सल लैब ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप पिक्सल लैब ओपन करेंगे गाइस,
यहाँ पर आपको फॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ नेक्स्ट आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉन्ट का ऑप्शन आ रहा है। फॉन्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे फॉन्ट के बगल में माई फॉन्ट्स का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेगा, फाइल के ऊपर आपको क्लिक करना है सेकंड वाले पे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको वो फोल्डर सर्च करना है जिस फोल्डर में आपने वो फाइल अपनी रखी है। तो मैंने डाउनलोड के अंदर रखी हुई है, डाउनलोड पे क्लिक करके और पिक्सल फॉन्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा जो है फॉन्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे जो फॉन्ट है यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। तो इस तरह से आप भी अपने फॉन्ट को बहुत ही ईजिली तरीके से ऐड कर सकते हैं। आई होप, उम्मीद करता हूँ आप फॉन्ट को ऐड करना सीख गए होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके के मैंने यहाँ पर अपने फॉन्ट डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो इस तरह से आप भी अपने पिक्सल लैब में फॉन्ट को ऐड करके बेहतरीन से बेहतरीन थंबनेल बनाकर और भी अच्छा अपना थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करके हमें कुछ भी पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।